महासंघ हरियाणा के आह्वान पर अबकारी करधन पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से खिलाफ नारेबाजी भी किया गया। कर्मचारियों के हाई कोर्ट के द्वारा 2014 में कांग्रेस सरकार बनी पब्लिश रद्द करने के विरोध में कैथल में लदू सचिवालय का विशेष जाहिर किया गया है। सरकार पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार हाई कोर्ट में सही पैरवी ना करते हुए भी हजारों कर्मचारियों को भविष्य अंधकार में डाल रहा है। ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 9 से 11 बजे तक का 2 घंटे का प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए रखा गया है। सरकार के 2014 में गुड्डा सरकार ने एक पॉलिसी के तहत करीब करीब 5-6 हज़ार कर्मचारियों को रेगुलर किया गया था, और जिसके तहत इस सरकार ने सही तरीके से पैरवाई नहीं करते हुए हाई कोर्ट में केस चल रहा था, और हाई कोर्ट ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण 5-6 हज़ार कर्मचारियों के ऊपर एक बहुत आघात पहुंचा है। सरकार ने सही तरीके से पैरवाई नहीं करते हुए उन कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और कर्मचारी संघ ने इस प्रदर्शन व धरने के माध्यम से सरकार को चेताया है। अगर सरकार ने रहते समय इन कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार उस आंदोलन की जिम्मेवार होगी। क्या कहा गया, क्या भेदभाव किया गया, क्या कहना है इसको? वर्ष 2014 में हम सभी गुड्डा सरकार की पॉलिसी जो जारी हुई थी उसके तहत पक्के किए गए थे, लेकिन अब आज हरियाणा सरकार कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है कर्मचारियों के विरुद्ध है, जिससे हमें काफ़ी आघात पहुंचा है, जिसकी वजह से हम मानसिक तौर पर भी काफ़ी परेशान हैं। इससे लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे पक्ष में हाई सुप्रीम कोर्ट जाए और हमारे हित की रक्षा करे। अनुरोध करते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट में हमारी सही तरीके से पैरवी की जाए ताकि हमारा रोजगार सेफ रहे। तो क्या वजह?